दस्तरखान रेसिपी हब में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट रेसिपी आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे चपली कबाब। तो इसके इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन का कीमा लिया है फैट के साथ। 1 टेबलस्पून रोस्टेड जीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून धनिया, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, आप इसकी जगह रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। अगर आपके पास अनारदाने अवेलेबल है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 अंडा। तमाम चीजों को कीमे में अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप फैट के बिना कीमा ले रहे हैं तो इसमें 1 अंडे की जगह 2 अंडे ऐड करें और 2 टेबलस्पून रोस्टेड बेसन ऐड करें या फिर 3 टेबलस्पून बटर ऐड कर सकते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए चिकना कीमा होना जरूरी है। पांच टेबलस्पून मकई का आटा ऐड करेंगे। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे इसे। सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, प्याज, हरा धनिया, ग्रीन चिली, पुदीना। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून पुदीना लिया है और 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट कर लिया है। और हरा धनिया मैंने 1/2 कप लिया है बारीक कटा हुआ और 4 ग्रीन चिली को मैंने चॉप्ड करके लिया है। आप जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। अब इसे हमें ढककर आधे घंटे के लिए फ्रीज में रखना है। आधा घंटा हो गया है, एक बार इसे मिक्स करते हैं। और यहाँ पर मैंने पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड किया है और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। चपली कबाब को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करना है। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इस तरह इसकी बड़ी सी बॉल बनाएंगे। हाथ पर इस तरह इसे फैला लें। अगर कीमे में हम चिकनाई लेते हैं तो बहुत ही आसानी से चपली कबाब रेडी होंगे। ऑयल को साइड पर करेंगे और पैन में रखेंगे चपली कबाब। केयरफुली करें ताकि तेल के छींटे आपके हाथ पर ना लगें। अच्छे से फैलाएंगे इसे।
मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगी कि चिकनाई वाला कीमा ही लें, तो उसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छे एक चपली कबाब रेडी होंगे। ऑयल को साइड करेंगे और रखेंगे। इसी तरह हम सारे चपली कबाब रेडी करेंगे। अब इसे हमें तुरंत टर्न नहीं करना है, इसे एक साइड से 5 से 6 मिनट तक कुक होने देंगे। टर्न करेंगे इसे, मैंने 6 मिनट तक इसे एक साइड से कुक कर लिया है। अब इसे हमें दूसरी साइड से भी 6 मिनट तक कुक कर लेना है। दोनों साइड बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। बस इसी तरह हमें गोल्डन ब्राउन होने तक चपली कबाब को फ्राई करना है। ये रेडी है, इसे एक डिश में ले लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और लजीज चपली कबाब हमारे रेडी हैं। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें और मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।